अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास किचन। आज हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त सा स्टार्टर फिश चीज़ बॉल, जो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बोनलेस फ़िश ले लिए है, पासा फ़िश, आप जो चाहे फ़िश यहाँ पर ले सकते हैं, बोन्स के साथ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने नमक के पानी में इसे सोख कर अच्छे से वॉश कर लिया है 2 से 3 बार। अब हम इसे बॉयल कर लेंगे। 1/2 लीटर पानी में हम नमक ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, 1/2 टीस्पून, इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे मीडियम फ्लेम पर हम बॉईल कर लेंगे। पीसेस को इसमें ऐड कर दें फिश के। ये देखिए अच्छे से ये बहुत ही कम टाइम में बॉईल हो जाएगी। पूरे ऐड कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। 5 to 7 मिनट्स में ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी। ये देखें 7 मिनट्स हो चुके हैं, हम इसे चेक कर लेंगे। एक पीस को निकाल लें, बहुत ही केयरफुली चेक कर लें। ये देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको ड्रेन कर लेंगे पानी को और इसे थोड़ा सा ठंडा कर स्पून की हेल्प से इसे थोड़ा सा मैश कर लें। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट हो गई है ये। ये देखें यहाँ पर मैंने एक बड़े से आलू को बॉयल होने के लिए रख दिया है, कट कर थोड़ा सा नमक ऐड कर इसमें बॉयल होने के लिए रख दिया है। फिर हम इसे ठंडा कर ग्रेट कर लेंगे। ये कढ़ाई में तेल ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून, मीडियम फ्लेम पर इसे गरम करेंगे। छोटी सी प्याज को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, बॉयल किए हुए आलू को ग्रेट कर लिया है पील ऑफ कर 1 टीस्पून कड़ी लीव्स ले लिया है और 1 टीस्पून धनिया के पत्ते ले लिया है। ये देखें मैश कर लिया है मैंने फ़िश को अच्छी तरह से। यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, इसमें हम ऑनियंस ऐड कर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसे सॉटे कर लेंगे। 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे इसमें और कुछ देर के लिए इसे भी सॉटे कर लेंगे। हम कड़ी लीव्स भी ऐड कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए प्याज का कलर जो है चेंज हो गया है। अब इस टाइम पर हम यहाँ पर ग्रेट किया हुआ आलू ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मीडियम फ्लेम पर ही करें। मैश की हुई फिश को ऐड कर देंगे इसमें। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है 5 मिनट्स के लिए। अच्छे से मिक्स कर दें इसे। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से नमक ऐड करें। ऑलरेडी हमने बॉयल होते समय फिश में ऐड कर दिया था थोड़ा सा नमक, उस हिसाब से आप ऐड करें। धनिया ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसी तरह से भी इसे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, पराठे के साथ इसे खाएं। थोड़ा सा और फ्राई कर लें इसे और इसे ठंडा कर आप रूम टेम्परेचर पर रख दें ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर मैंने बॉल में मैदा ऐड कर लिया है 1 टेबल स्पून और कॉर्नफ्लोर ऐड कर इसकी स्लरी बना लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लें फोर की हेल्प से। स्लरी हमारी तैयार हो गई है। अब देखें ये ठंडा हो चुका है मिक्सचर हमारा। इस तरह से हम थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसे फ्लैट कर यहाँ पर मैंने चीज़ ले लिया है, इसे अच्छे से हम कवर कर लेंगे और इसका बॉल का शेप दे देंगे इस पे। इसी तरह से हम सारे बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए अभी हम यहाँ पर स्लरी में बॉल्स को ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे डिप कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से अच्छे से हमें इसे डिप कर ब्रेड क्रम्स में ऐड कर देना है, ताकि जो ब्रेड क्रम्स है इस पर अच्छे से कोट हो जाए और ये क्रिस्पी बन जाए। ये देखिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसे बहुत ही केयरफुली बॉल्स इसमें ऐड कर लेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे।
देखें कलर आ चुका है, अब इसे हम टर्न कर लेंगे और इस साइड भी हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। ये देखें अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसे निकाल दें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें स्टार्टर के जैसा। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये देखें मेरी जो पहली रेसिपी थी, फर्स्ट रेसिपी, वो चिकन चीज़ बॉल्स की थी। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, ज़रूर देखें। ये है फ़िश चीज़ बॉल जो बहुत ही टेस्टी है। ये जो मेरी रेसिपी है 100 वाली रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखें मैं कट कर भी दिखा रही हूँ। लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।